नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रकरण चल रहा है, श्रृंगार गौरी को लेकर जो विवाद चल रहा है और जिस तरीके से अभी बनारस की कोर्ट ने सर्वे की जो फैसला दिया है कि 17 मई तक आप रिपोर्ट दीजिए, और उसको लेकर हम जिनसे बात करेंगे वो शख्सियत हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, खासकर उस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण है। पद्मपति शर्मा सर हैं, आपसे ही बात करेंगे। आपने बताया कि 65 वर्ष आपने गुजारे हैं उन गलियों में, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपका भारत तस्वीर में पहले स्वागत है। आप बताएं सर कि क्या कहेंगे आप, ये जो फैसला हुआ है बनारस कोर्ट का, बहुत दिनों से चल रहा था मामला और जिस तरीके से सामने आया है चीज़, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले देखिए क्या कहें, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी लंबी कहानी है कि वो सुबह हो जाएगी मेरी कहानी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम लोगों के पास सीमित समय है, इसलिए सीमित समय में सीमित जवाब देना होगा। बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी जानते हो कि सरस्वती फाटक, माँ सरस्वती वहाँ विराजती हैं। सन 815 में आचार्य शंकर यानी आदि शंकराचार्य ने उस सरस्वती माँ की स्थापना की थी, उसी के ऊपर हमारा ज्योतिष कार्यालय था। रघु सम्राट, ज्योतिष सम्राट, पूरा परिचय बाएं दाएं दोनों तरफ संगमरमर से, और अंदर जाके लाहौरी टोला में वो हमारा मकान था। हमारे परपितामह राजस्थान से आए थे 180 वर्ष पहले, और उन्होंने यहाँ आकर के मकान बनवाया था, और हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही रही है। मैं 4 अखबारों में रहा, टेलीविज़न में रहा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 3 अखबार यहीं पर मेरे बिताए। आज जागरण और कुछ अरसा जो है हिंदुस्तान का, बीच का अमर उजाला छोड़ करके, अमर उजाला में मैं 4 वर्ष मेरठ में रहा एज ए प्रभारी, तो उसको छोड़ करके बाकी मेरा समय जो है यहीं बीता। और प्रिंट मीडिया छोड़ा तो उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी जानकारी आपको आएगी। काशी विश्वनाथ, जब लोग कहते हैं कि साहब काशी 4-5 हज़ार साल पुरानी है, तो मुझे आश्चर्यजनित क्षोभ होता है। जब आप ये कहते हो कि काशी तो भगवान शिव की बसाई नगरी है, तो क्या 4-5 हज़ार साल पुरानी है? नहीं, सच्चाई तो ये है कि ये काशी, मैं समझता हूँ कि, और काशी का उल्लेख आप देखिए कि महाभारत और रामायण और महाभारत दोनों में उल्लेख होता है इसका, लेकिन ये हजारों वर्ष पहले की बात है। अगर आप कुल मिला के देखें तो काशी का अस्तित्व माँ गंगा के अवतरण के पहले से था। बताने की ज़रूरत नहीं कि जब राजा हरिश्चंद इक्ष्वाकु वंश के सम्राट जब यहाँ बिकने आए थे, तो क्या वो हरिश्चंद घाट था? क्या गंगा थी? नहीं, छोटे छोटे कुंड थे, असी नदी होगी, वरुणा भी हो सकता हो, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन गंगा नहीं थी। गंगा तो उनके बाद के वंशज भगीरथ लाए हैं अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए, माँ गंगा को लाए हैं। तो काशी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की प्राचीनतम नगरी है और जीवित नगरी है। न जाने कितने देश, कितनी सभ्यताएं पैदा हुई, पनपी और ख़त्म हो गई, लेकिन काशी है, तब भी थी, आज भी है, और मुझे लगता है कि प्रलय होने के पूर्व तक, अनंत काल तक वो रहेगी। जाहिर है जब, और काशी को बसाया किसने है? बोलो भगवान शिव ने। तो भगवान शिव ने बसाया है तो भगवान शिव का कोई ठिकाना भी तो होगा, तो वो मंदिर है। अब वो मंदिर के बारे में भी कोई इतिहास ये नहीं बताता कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था। जाहिर है ये मंदिर का निर्माण तो हजारों साल पहले हुआ होगा। एक इतिहास में उल्लेख आता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले
इस मंदिर का पुनर्निर्माण या यूं कहिए जीर्णोद्धार कराया था, जो विश्वनाथ मंदिर जो आज जिसमें विवादित ढांचा खड़ा है उसके सेवाई या यूं कहिए उसके काफ़ी हिस्से के मालिकाना अधिकार रखने वाले सोमनाथ व्यास वो पत्रकार थे, बहुत कम लोगों को जानकारी है। और मेरे साथ वो आज और जागरण में बरसों रहे हैं। वो हमको बताया करते थे कि पदम ये मंदिर नहीं है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास स्थान था कि जहाँ वो 4 महीने तक जो है यहाँ रहते थे गर्मियों में जाड़े में, और उसके बाद वो चले जाते थे कैलाश। तो इसके इस पर सवालिया निशान उठाना और लोग कहते हैं कि साहब मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था, यहाँ तो मस्जिद बना है और ये वो, ये व्रथा है, बकवास है। और जो जिस तरह की ये इन लोगों की आदत है, ये शांति और भाईचारे के मसीहा जो हैं, इनकी जो जिस तरह की बोलने की आदत है उस पर किसी को विश्वास नहीं होगा। मंदिर को गोरी आता है, मोहम्मद गोरी से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और तमाम 4 बार मंदिर को तोड़ा जाता है, और इसका शुरुआत होती है 10वीं शताब्दी से, और 15वीं शताब्दी में आखिरी बार जब तोड़ा गया तो राजा टोडरमल जो वित्त मंत्री थे अकबर के, वहाँ पर उनके गुरु नारायण भट्ट, महाराष्ट्रियों का देखे बहुत पुराना इतिहास रहा है बनारस से जुड़ाव का, वो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आया है और आतताइयों ने जो है वो मंदिर को विध्वंस कर दिया है, आप बनवाओ, उसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन आप देखिए ये कैसी विडंबना है कि अकबर के ही वंशज औरंगजेब ने 1669 में इस मंदिर को खंड खंड कर दिया, इसका ध्वंस कर दिया। और केवल एक ये काशी विश्वनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा, बल्कि आप ये देखें कि पंचगंगा घाट पे जो है जिसको माधवराव का धरेरा कहते हैं, बिंदु माधव और आदि विशेश्वर, ये 3 मंदिर तोड़े गए। और यहाँ के फौजदार ने जो भी इनका प्रशासक था औरंगजेब का, उसने पत्र लिखा था कि इस मंदिर में काफिर वाहियात शिक्षा देते हैं, इसको तोड़ा जाना चाहिए। और 1669 में एक फरमान जारी होता है औरंगजेब की तरफ से और इसको तोड़ दिया जाता है। ये तो इतिहास हुआ। अब आप ये सोचिए कि मंदिर, अगर आपने देखा है मंदिर का पश्चिमी द्वार, अजीब माने एक क्या बोलेंगे आपको, अजीब दुर्भाग्य है कि मंदिर तोड़ा लेकिन मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर बना दिया, और दीवार जो थी पीछे की जो मंदिर का पश्चिमी भाग है उसको एज इट इज छोड़ दिया, पूरा का पूरा पोर्शन। और मेरी तो ज्ञानवापी मेरी नर्सरी रही है, मेरी क्रिकेट वहाँ परवान चढ़ी है, वहाँ आरएसएस की विशेश्वर सायम और प्रभात 2 शाखाएँ लगती थी, और मैंने देखा है कि श्रृंगार गौरी का दर्शन करने से श्रद्धालु जो दैनिक जो श्रद्धालु थी वो जो है वो आती थी और माला फूल चढ़ाती थी। ये जानते हैं श्रृंगार गौरी कहाँ है? पश्चिमी द्वार के ठीक नीचे 2 मजार बना दी गई, और मंदिर का जो भग्नावशेष था वो टीले का रूप ले गया, और उस टीले की दीवार में श्रृंगार गौरी थी। तो श्रृंगार गौरी जो थी वो उसका जो है पूजन अर्चन निर्बाध रूप से होता था, कोई रोक टोक कहीं कुछ नहीं थी। 1992 में अयोध्या कांड होता है और विवादास्पद ढांचा गिराया जाता है, उसके बाद आप देखिए कि प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी वो बर्खास्त होती है, साथ में भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें थी मध्य प्रदेश हिमाचल
या जहाँ भी सरकारें थी वहाँ जो है उनको भी बर्खास्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति शासन, और केंद्र में कांग्रेस। तो शाखा खत्म कर दी गई, कोई लिखित नहीं था, और श्रृंगार गौरी का दर्शन भी प्रतिबंधित कर दिया गया, वो भी कोई लिखित आदेश नहीं, ये भी सच है। क्यों प्रतिबंध किया गया, ये भी सवाल उठता है। ये केवल सुरक्षा कारणों से। और मैंने तो देखा है, आपको बताऊं मैं कि मैं कम से कम 50 बार उस मस्जिद में गया हूं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, गेंद जो मीनार ऊपर है वहां चली जाती थी और हम लोग चढ़ करके हमारे लोग जाते थे। मुझे याद है कि एक बार मेरा मित्र था वो ऊपर से चूक गया, हम लोग डर के मारे भागे, अरे बाप रे बाप, ये तो मर गया होगा, कहने जाने क्या होगा, पुलिस आएगी क्या होगा। थोड़ी देर में देखा हाथ झाड़ता हुआ आया कि भाई हम लोग को छोड़ के चले गए। ये हालत थी। मस्जिद के अंदर मैं गया, मस्जिद में एक तालाब है छोटा, मुझे लगता है इतना स्वच्छ जल कहाँ से आता होगा, और वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक कुंड रहा होगा, और उसमें लाल लाल मछलियाँ थी, लोग वजू करते थे, और माने कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक तंबू था जहाँ PSC के जवान जो थे वो पहरा देते थे, और उनका खाना सामने एक पोर्शन था वहाँ बनता था बाहर, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मुश्किल से 20-25 लोग नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन 92 के बाद नमाजियों की संख्या में लगातार इजाफा होता गया, और वो एरिया का एरिया, मुझे ये भी याद है कि विदेशी पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा ये पर्यटन स्थल था, जहाँ पे तमाम यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, फ्रांस हो, ये तमाम इंग्लैंड हो, ये तमाम जगह के पर्यटक जब आते थे और कैमरे से फोटोग्राफ लेते थे कि बोले वाह क्या है ये मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, और हम लोग ज्ञानवापी के मैदान से देखते थे। ये उनका भी आवागमन खत्म हो गया,